हेलो पीपल वेलकम बैक टू द चैनल अगेन भाई टुडे वी आर मेकिंग अ रनिंग वीडियो अगेन बहुत टाइम बाद बना रहे आई नो बट रनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है? है कि भाई रनिंग शूज़ फॉर वाइट फीट पीपल कहाँ से लेके आए कोई सिलेक्टिव ब्रांड बता दो सेम मुझे फुटबॉल में भी आता है कि भाई फुटबॉल के लिए बता दो बट आज रनिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले आई आम स्टार्टिंग डिकाथलॉन रही सर टुडे टुडे आर मेकिंग अ वीडियो एक्चुअली आई एम डूइंग अ रिव्यू ऑफ टू बेस्ट शूज़ इन डिकाथलॉन फॉर वाइट फीट पीपल जो एक्चुअली कम्फर्टेबल है काइंड ऑफ फिट्स इन योर बजट नॉट प्राइसिवर में वीडियो में बात करेंगे रिव्यू करने ही वाले हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब यू नो वॉट टू डू द ड्रिल नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो पीपल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द शूज पीपल ये रहे फाइव हंड्रेड के जॉक फ्लो पॉइंट वन और ये है जॉक फ्लो फाइव हंड्रेड पॉइंट वन सिर्फ एक फ़र्क है दोनों शूज में और थोड़ा बहुत प्राइस का फर्क है दीज आर द बेस्ट शूज फॉर वाइट पीपल इन डी कैथलॉन आपको मिल जाएंगे भाई यू गेट दिस इन डिफरेंट कलर्स ऑल्सो वो मैं आप लोगों को बाद में एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा एक एक जूते के साथ शुरुआत करते हैं पहले भी स्टार्ट विद दिस शू क्या है we'll जूते में स्पेसिफिकेशन देखते हैं पहले अपन नाउ कम य पीपल लेट्स हैव अ लुक एट द शू द शू लुक्स पहले तो बहुत सिक्स दिखता है जूता ठीक है ये थोड़ा इंडियन ऑयल टाइप जूता है अगर पेट्रोल पम्प जो है बेसिकली वो कलर का है द ऑरेंज एंड द डार्क ब्लू एंड एवरी थिंग द वाइट मैश ली ग्रेट ऑन द शू थोड़ा सा यहाँ से देख लो अगर आप लोगों को चाहिए तो सी द वाइट फीट अगर आप लोग को दिख रहा है यहाँ से तो द वाइट फीट इज़ बेसिकली ये जो नॉर्मल आप लोग को दिख रहा है जो जूते में यहाँ आपको जो थोड़ा त्रिकोण बेसिकली डायमंड हाफ डायमंडी जिस इज वे दाइट फीट पीपल कैन फिट देर फीट वहाँ पे एनी वे नाव पहली चीज़ अगर मैं जूता हाथ में पकड़ता हूँ ना यार तो जेनविनली मुझे जूते का वेट बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है टू फिफ्टी के नाम से कुछ वेट है टू बी वेरी स्पेसिफिक 251.3 फिफ्टी वन पॉइंट थ्री ग्राम जैसा कुछ या ढाई सौ ग्राम पकड़ो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं बट येस एक्सट्रीमली वेरी लाइट फील्स गुड पॉलिस्टर जो है इसका एक्चुअली जोपर का मैश है आई थिंक कुछ 59% परसेंट या 62% टू परसेंट इट्स मेड विद डैट तो एक्यूरेट यूज़ करना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द ई वी ए फोम यहाँ पे देखो द ई वी ए फम इज़ एक्सट्रीमली गुड जेनुनली मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा टू बी वेरी ऑन नॉट सींग दिस फॉर द वीडियो बट सही अच्छा है ऑल्सो अब अगर इंसोल की तरफ चलते हैं अपन <coughs> ये रहा इंसोल विच इज़ वेरी सॉफ्ट पैडिंग वाडिंग अच्छी बट द गुड थिंग अबाउट द इंसोल इज़ इट्स नॉट स्टिक्ट और सिलाई नहीं किए यू कैन ईजिली रिमूव दिस ऐसे ही और देखो इंसोल निकालो तो फिर ऐसा नज़र आता है कुछ तो इसको ईजिली निकाल के अगर आपको रिप्लेस भी करना हो तो आप कर सकते हो प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स विद द क्लिनिंग एज वेल एज साफ साफ भी करना रहता है तो भी सही रहता है दूसरी चीज़ अगर जूते को आप लोग सिर्फ यहाँ से देखो ठीक है अगर सिर्फ यहाँ से देखो तो भाई इसकी आई मीन मैच तो बहुत ही कमाल का नज़र आता है द आई कैच ऑफ द शू इज़ एक्चुअली द डिज़ाइन आप कैसे हैं इसका जो फ्लेक्स भी है ना वो भी अच्छा है अगर आप लोग फ्लेक्स दिखाओ ना मैं आपको तो फ्लेक्स बेसिकली ये है जो चीज़ होती है तो अगर आप लॉन्ग स्ट्राइड से लेते हो स्ट्राइड से यानी कि लंबे लंबे डिसाइजिव जंप्स या रनिंग के टाइम पे लंबे लंबे स्टेप्स लेते हो तो जिससे बेसिकली स्ट्राइड्स कहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सही हो जाता है द एक्चुअल कैच ऑफ द शू इज़ द डिज़ाइनिंग एंड द मेश जो कि रिसाइकल पॉलिटर से बना हुआ है ऑल्सो यू यू गेट द किप्सा ब्रांड बिग किप्सा नहीं एक्चुअली कलंजी ब्रांडिंग सॉरी यार किप्टा फुटबॉल के इतने बना लिया वीडियो किप्सा गया मुझसे कलंजी ब्रांडिंग आपको इधर मिल जाती है देखने के लिए फ्यूगा गाइस कैन सी ऑल्सो देखो यहाँ पे कलंजी लिखा हुआ है एंड द ड्रॉप यू गेट इज़ 4 एम एम विच इज़ फेयरली इनाफ आई मीन फोर एम एम इज स्टिल ओके आई मीन एक्चुअली द पॉइंट ऑफ दिस शो इज़ कि ड्रॉप इसलिए कम है क्योंकि भाई अब कम है प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स यू कि आप बराबर अपने स्टेप्स लो द राइट मूवमेंट और यहाँ पर मैंशन भी है देखो ड्रॉप फोर एम एम है पहले मैंने आई थिंक किसी टिका शो में देखा नहीं है ड्रॉप फोर एम एम लिखे हुए आई गेस हायर रेंजेस में होते हैं बट अपने कम रेंजेस में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है कि ड्रॉप बाई फोर एम एम इसके ऊपर जेनरली लिखा हुआ है ऑल्सो वन थिंग ओवर ईयर दट आई लाइक टू पॉइंट आउट उसकी लेस काफ़ी पतली है आई थिंक विच इज़ गुड कैसे देखो जो लेस की क्वालिटी है अच्छी है बट थोड़ी सी बदली आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पॉलिस्टर अगर आपका पॉलिस्टर भी उतना लाइट है तो लेस भी आपकी इतनी हैवी होने उनकी ज़रूरत है नहीं बेसिकली गिविंग यू द लुक कैसे कि आपका जूता अल्टीमेटली हल्का हो जाता है तो कैसा लेस भी लाइट है पॉलिस्टर भी लाइट है मैच भी लाइट है एंड ऑल्सो द फिनिशिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी है अगर ऐसा नहीं कुछ धागे आगे लटक रहे आपको लग रहा है कि स्टिक नहीं किया बराबर तो फिनिशिंग इज़ एक्चुअली डन वेरी वेल यहाँ से अगर आप लोग देखो ऑल्सो ये भी आप लोगों को कुछ मिल जाता है भाई यहाँ पे ब्रांडिंग है देखो जॉक फ्लो की जो लगा हुआ है कलन जी का जो भी है फाइव हंड्रेड लिखा हुआ है सो तो फिनिशिंग ऑफ द शू लुक्स रियली वेल अब ये भी आपको आई थिंक कुछ छः कलर्स में आ जाते है मैं आपको कलर्स दिखा दूंगा एक एक करके बी रोल में ब्लू है आई थिंक ब्लैक है आई थिंक एक वाइट और है दो तीन कलर्स और है इसके अंदर सो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड अबाउट द शू ऑल्सो अगर आप 10 किलोमीटर्स तक भागते हो 5 टू 10 किलोमीटर बेसिकली रोज़ तो आपके जूते लेने चाहिए उससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो भाई मत करना बट द गुड थिंग अबाउट द शूज़ चलो ठीक है थोड़ी बहुत लिमिटेशन है बट रनिंग इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर बट 10 किलोमीटर्स भी बहुत होता है भागने जाओगे बेगनर लोग 10 किलोमीटर भी नहीं भागते बट ठीक है और गुड डील विद द शूज़ बट द गुड थिंग इज़ की एक्चुअली क्लीनिंग ईजी हो जाती है तो हार्ड पार्ट अबाउट रनिंग शूज़ इज़ कि जब आप जूता घर लेके आते हो ना तो साफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो वो इसके साथ ये सीन नहीं है डेफिनेटली क्योंकि भाई पॉलिस्टर मैश फिनिशिंग लेस सब बहुत लाइट है इवन आपका इंसोल भी निकाल के आप आराम से क्लीन कर सकते हो विच एड्स टू द वैल्यू फॉर द मनी एंड नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ द शू नाउ द प्राइस ऑफ द शू इज़ थ्री थाउजेंड एंड नाइन्टी नाइन यानी कि तीन हज़ार एक सौ विच आई थिंक इज़ फेयर क्योंकि मैं आप लोगों को बताते एडिडास में जाओगे रिबॉक में जाओगे नाइकी में जाओगे कहीं भी जाओगे बाटा वाटा में भी जाओगे तो जो अच्छे रनिंग शूज़ होते हैं ना बेसिकली जो लंबे दौड़ वाले होते हैं बेसिकली विथ सो मच मैश एंड द काइंड ऑफ रिसाइकल्ड पॉलिसर दूसरा अरेडाज में जाओगे तो अरेडास में तो सीधा सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड बट वी नो की कलन जी एज एंड डिकातलॉन एक जगह ऐसे फिट हो जाते हैं जहाँ पर फिट्स इन द मीडिया ओकर नॉट द मीडिया ओकर द रॉन्ग वर्ड बट द एवरेज कंज्यूमर जो शूज़ ज़्यादा ये रेंज में खरीदता है बेसिकली जो एवरेज प्राइस मनी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड वाले सो so कैसे थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे जूते जेनविनली मिल जाते हैं एंड इट फिल्स योर पर्पज है बिकॉज वाइट फीट पीपल आई थिंक वो तो भाई जूता देख के खुश हो जाते होंगे कि भाई ये जूता हमको आने वाला है सो आई गट एट है लॉर्ड ऑफ फ्रेंड जिनके वाइट है आई थिंक वाइट इज़ द फर्स्ट वाइट फीट ही है इसका द मैश द फिनिशिंग द इजियर वे टू एक्चुअली क्लीन द शू द डिज़ाइन द फिनिशिंग एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन द शू द नेक्स्ट शूज इज़ द जॉक्रो फाइव हंड्रेड के पॉइंट वन पहले आप लोग जूता देखो भाई सबसे पहले चीज़ आप लोग को जूते में नज़र आ रहा होगा दिखने में इतने अच्छे नहीं है टू बी वेरी ऑनिस्ट यू गेट टू डिफरेंट कलर जिसमें आई थिंक ब्लैक और एक कोई और कलर है इसके अंदर ठीक है पहले तो देख लो दिखते कैसे यहाँ से साइड वाइट से देख लो येल्लो थोड़ी बहुत स्ट्राइप्स है यहाँ पे यहाँ पर थोड़ा सा मैश अलग है ठीक है एंकल सपोर्ट ही होगा इसके सी यहाँ से ये देखो एंकल सपोर्ट दिया गया रुको थोड़ा बेटर दिखाता तो हूँ मैं आप लोगों को ये रहा कलंजी की ब्रांडिंग आप लोगों को इधर मिल जाती है आराम से देखने के लिए ठीक है दिस इज ऑल्सो गुड नाव नाव लेट्स कम टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द शू नाव सी द डिजाइन पहले ही आप लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई देखो ये व्हाइट फीट वाले लोगों के लिए द डायमंडी सी देखो यहाँ से देख लो थोड़ा बेटर लगेगा द डायमंड कट जो थोड़ा त्रिकोण है हाफ काइट बेसिकली वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा नाउ कमिंग टू द मैश जो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये जूते का डेफिनेटली देखो क्योंकि अगर आप फील करो ना इसको तो फ्लोर मैट होती है ना अपने जो हम बाथरूम के बाहर रखते हैं या फिर बेड के बाहर रखते हैं लोग काफ़ी लोग रखते हैं दरवाजे के बाहर रखते हैं बेसिकली वो भी तो वैसा थोड़ा सा फील है विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ अ थ्री डी नेट लुक बेसिकली नेट है और अच्छा है फालतू तो नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा नेट है देखो अगर इसको स्ट्रेच भी करो इट्स अ गुड मैश इट्स अ गुड नेट नाउ नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक डिज़ाइन अभी ये जो मैश है भाई मेड है आउट ऑफ सिक्सटी टू परसेंट पॉलिस्टर जो कि आजकल भाई सब लोग ही कर रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग अगेन इसकी भी लेस पतली है यार थोड़ा इसका मटेरियल अलग है दैन जॉक फ्लो फाइव हंड्रेड पॉइंट वन उसका जो लेस का मटेरियल था ना वो थोड़ा सा कॉटनिश टाइप था ये थोड़ा सा नायलॉन टाइप है एग्जैक्टली एक, एक, नायलॉन नहीं है बट थोड़ा सा है ठीक है फील्स गुड ऐसा नहीं है नहीं करता अब इसके अंदर भी अगर आप लोग ड्रॉप देखो ये वाला जो ड्रॉप रहता है दिस इज ऑल्सो फोर एम एम लुक्स लाइक कि ज़्यादा रहेगा बट एक्चुअली नहीं आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द ई वी ए फोम जो कि जूते के अंदर है जो हील को अच्छा सपोर्ट देता है दिस इज द ई वी फोम ये आप लोग देख सकते हो ये सपोर्ट बहुत अच्छा देता है इसलिए आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि ड्रॉप ज़्यादा है एक्चुअली फ़र्स्ट लुक में मेरे को भी लगा था बट ऐसा नहीं है यू कैन सी इट्स मैंशनड ओवर योर ड्रॉप फोर एम एम ई है क्योंकि मैंने इट विद दी फाइव हंड्रेड पॉइंट वन वाला चॉक लो तो मालूम पड़ गया कि उतना नहीं है ना कुछ और चीज़ें देखेंगे अगर जूते के बारे में तो आप लोग जूता देखो पहले तो देखो, यार देखो ये जूता कैसा ना कम्फर्ट वाला जूता है ये मतलब क्या बोलते शोशेबाजी स्टाइल वाला नहीं कंफर्ट वाला जूता है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत अच्छी है इसकी टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि भाई इसका जो फ्लेक्स है ना आप लोगों को इसका फ्लेक्स दिखा तो ये जो फ्लेक्स है ना इसके देखो ये ये बहुत सही है यार तो इतना फ्लेक्स हो रहा है तो यानी कि यार मूवमेंट अच्छी होनी ही है सोल भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रबर सोल इधर भी लगा हुआ है ठीक है फिर यहाँ पे ई फोम है फिर रबर सोल बेसिकली लोग जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रखते हैं हील्स के ऊपर देखो तो यहाँ पे भी सपोर्ट है सोल का नॉन मार्किंग ये जो रबर है ठीक है यानी कि मार्क्स नहीं छोड़ता कोई भी कोट के ऊपर आप इसको लेके भी जाओगे इंडोर कहीं भाग रहे हो या कुछ तो ठीक है अब ये जूते एक्चुअली आपका रोज़ रनिंग के लिए जो कि 21 वन किलोमीटर्स तक है अगर रोज़ भागते हो तो 21 किलोमीटर तो यार शायद भागते हो लोग ऐसा नहीं है बट वो आप रोज़ नहीं भागने वाले इक्कीस किलोमीटर एटलीस्ट शायद मेरे अगर ऑडियंस में कोई रन करता है इक्कीस किलोमीटर तो भाई ये जूता है इज़ फॉर यू पीपल डेफिनेटली अब देखो एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था व्हाट आई वांटेड टू शो सोल के अंदर कि बहुत स्मार्टली सोल डिज़ाइन किया गया क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रेशर डालते तो टोस के यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है ये रहा थम के यहाँ पे ठीक है जहाँ पे मैं आई एम टेलिंग यू गैस अबाउट मी कि मैं भी यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रखता हूँ वहाँ पे रबर्स हैं यहाँ पे और ये हील के पास भी विच इज़ अ गुड थिंग ऐसा ही सेम अगर अपन ये जूते में भी सेम दिया गया था हमारे जॉक फो फाइव हंड्रेड पॉइंट वन में फाइव हंड्रेड के पॉइंट वन और ये थोड़ा सा सिर्फ ई वी ए फोम का फ़र्क है बस नहीं तो दोनों में ऑलमोस्ट इट्स द सेम ही तो फिर ये जूता मेरे को फिर भी थोड़ा सा बेटर लगता है एट कम्फर्ट बिकॉज आई विल टेल यू वाई क्योंकि मैश इसका बहुत अच्छा है यू हैव एंकल सपोर्ट इन दी शूज एज वेल इकोनॉमिक डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो इंसोल में अब इंसोल जो है इसका वो थोड़ा चिपका हुआ तो नहीं है निकल जाता ये देखो ये निकल गया दिस इज हाउ इट लुक्स एक्चुअली इंसोल निकालने के बाद भी ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है इंसोल के अंदर का बेसिकली जो जूता है आई I मीन mean, जूता एज एन विदाउट दी इंसोल और ये इसका इंसोल विच इज़ वेरी कंफर्टेबल मतलब जो प्री पुट है अंदर बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल तो अगर आपको चेंज भी करना रहेगा तो वो भी आप लोग ईजीली कर पाओगे तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात है नहीं दैट इज़ अ गुड थिंग अगेन अब कैसे ना ये शूज़ में ना यार आई एम थोड़ा आई डोंट नो थोड़ा सा मुझे ही लगता है कि थोड़ा बेटर लुकिंग होना चाहिए यार एटलीस्ट जूते आजकल बहुत ज़्यादा बेटर लुकिंग फॉर द प्राइस पॉइंट दैट इट कम्स से अब इसका जो प्राइस है ना वो वो थ्री ट्रिपल नाइन है विच इज़ फोर थाउजेंड रुपीज़ फोर थाउजेंड रुपीज़ तो, रुपीज तो काफ़ी ज़्यादा हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट बट आई फील की फोर थाउजेंड रुपीज़ में यू शूड गेट अ बेटर लुकिंग शू यू आर आई मीन विद डिफरेंट कलर्स एल छू तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे रैक में रखे वाल शू बेरो चलता रहेगा पीछे पीछे डोंट वरी बट आई स्टिल फील यू शुड गेट थोड़ा सा स्टालिश होता है जैसे कि ये वाला है या एटलीस्ट कलर में क्योंकि ये वाला कैसे ना कलर में थोड़ा बेटर है देखने में आई I मीन mean, आई नो मैंने इंडियन ऑयल वाला जो बोला ठीक है बट इट लुक्स गुड द वाइट लुक्स गुड द मैश लुक्स गुड ऐसा नहीं है बट ठीक है द मैश एक्चुअली इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है टू तो बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि यार आपको थोड़ा थ्री डी नेट वाला फील है सो यू फील लाइक अ सेकेंड स्किन ऑन टॉप ऑफ योर लेग्स तो तुम जब भी भागते हो तो तुमको तो लगता है कि भाई मेरा पैर अकेला नहीं है उसके ऊपर कुछ एक स्किन है बेसिकली आर्मर टाइप सो यू फील मोर प्रोटेक्टेड तो वो भी एक चीज़ अच्छी हो जाती है दोनों शूज़ के अंदर वेट भी अगर मैं देखता हूँ तो 300 हंड्रेड ग्राम्स का ऐसे कुछ वेट आई थिंक 305 हंड्रेड एंड फाइव ग्राम्स है उसके अराउंड इसका कुछ वेट है विच इज़ लाइट वेट टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर वॉट इट्स प्रोवाइडिंग विद द मैश विद द फोम विद द रबर सोल एंड विद एवरीथिंग इट इंड वॉल्स वो मतलब भाई तीन सौ ग्राम एकदम सही जू सही वेट है एक्चुअली ये जूते के लिए बेसिकली अभी दोनों जूता अगर थोड़ा कंपेयर कर लेंगे तो यही हो जाता है कि इसके अंदर आपको मैश थोड़ा बेटर मिलता है इसके अंदर पॉलिस्टर वाला अच्छा है नो डाउट बट इसका मैश थोड़ा बेटर है यू गेट एंकल सपोर्ट इन दिस एज वेल ड्रॉप दोनों शूज़ का सेम ही है द प्राइस पॉइंट जो फर्क है वो हज़ार रुपये का है ये थ्री ट्रिपल नाइन का है ये थ्री जीरो डबल नाइन सो बेसिकली नौ सौ रुपये का टू बी वेरी एग्जैक्ट उतना ही फर्क है इसके अंदर दोनों के अंदर एनसोल्स अच्छे हैं दोनों के ई वी एफ ओम अच्छे सिर्फ मैश का फर्क है वाइट फीट पीपल वालों के लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशन वाइट फीट पीपल यू गाइज हैव न्यू शूज इन डिकाथोन खरीद लेना आ गया प्लीज़ निकल लेंगे कुछ हो जाएगा प्लीज़ जाके खरीद लेना दीज आर रियली गुड जेनवनली आई एम सी स्पीकिंग दे आर रियली गुड मैं पहन के भी एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे है बट के कंपैरिजन में यही है कि मैश का ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क है थोड़ा बहुत लेस का फ़र्क है और थोड़ा बहुत डिज़ाइन का ये थोड़ा मोटा दिखता है अगर आप लोग देखो ना और ये थोड़ा सा स्लीक नॉट स्लीक बट थोड़ा सा पतला टाइप लगता है ये थोड़ा सा फिल्ड लगता है थोड़ा सा भरा भरा लगता है बस उतना ही फर्क है दोनों के अंदर ये देखो अभी मैंने आप लोगों को दोनों पहन के दिखा दिया मेरे पीओवी से देख लो ब्लैक वाला एक्चुअली ब्लू वाला ही है ये देख लो ये सेम ही जूता है भाई लोग ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं जूते के अंदर ये देख लो आप लोग देखो सेम ही है बस डिफरेंट कलर बनना क्योंकि ब्लू में, में मेरा साइज़ नहीं है एनी कमिंग योर यहाँ पे फील्स गुड एक्चुअली ब्लैक वाला ज़्यादा कम्फर्टेबल है द था थाउजेंड शू टू बी वेरी ऑन ये वाला भी कम्फर्टेबल है ऐसा नहीं है बट मेरे को एक्चुअली फिट जो थोड़ा बेटर बेटर है वो ब्लैक वाले का है काफ़ी मेरे को सपोर्ट एक्चुअली एंकल सपोर्ट है जो फील हो रहा है बट ऑल्सो मैंने वॉक थोड़ा बहुत ना अगर ऐसे भी अगर आप लोग देखो तो अच्छा फील हो रहा है यार आई मीन बोथ ऑफ देम फील रियली गुड बस मेरे को क्वेश्चनिंग और फोम फोर थाउजेंड वाले की बेटर लग रही है राइट फीड पर एंड क्लियरली यू कैन नो द डिफरेंस इतना नहीं है बट ठीक है मैं थोड़ा टेक्निकली बात कर रहा हूँ आप लोग के साथ इसलिए आप लोग को फील हो रहा होगा बट येस द लेफ्ट शू ऑल्सो फील गुड एक्चुअली मेरे पैर के ऊपर ना ये जॉक फ्लो फाइव हंड्रेड पॉइंट वन ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है सेवन नंबर पहनता हूँ मैं तो भाई वो ज़्यादा बेटर फील हो रहा है बट इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है बट ये दिखने में ज़्यादा अच्छा है टू बी वेरी वेरियानर ये देखो दिखने में ये वाला जूता ज़्यादा बेटर है ये थोड़ा प्लेन टाइप लगता है बट कम्फर्टेबल सो आई थिंक अगर आपको लंबा दौड़ने जाना सी दिस शूज़ फॉर ट्वेंटी वन किलोमीटर्स तो लंबा दौड़ने जागे तो सही है बट द कम्फर्ट एंड द लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो कैसा है दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो पीपल भाई जॉक फ्लो फाइव हंड्रेड पॉइंट वन जॉक फ्लो फाइव हंड्रेड के पॉइंट वन बेस्ट शूज़ एन डी कैथलॉन फॉर रनिंग only for white feet people normal log bhi use kar sakte hai but this is, these are specifically made for white feet people by lottery hai juta to be very honest for white feet people both the shoes are extremely comfortable pehen ke to bahut zyada comfortable the Running में भी उतने ही ज़्यादा comfortable होंगे 10 किलोमीटर्स तक अगर आप रोज़ भागते हो तो ये लेना 21 किलोमीटर्स तक अगर आप रोज़ भागते हो तो ये ले लेना जीज आप हो फोर थाउजेंड थ्री ट्रिपल नाइन जीज आप हो थ्री थाउजेंड एंड वन हंड्रेड बचे थ्री जीरो ट्रिपल डबल नाइन नाम सो सॉरी सो यस पीपल ये था आज का पूरा वीडियो बहुत टाइम हो गया रनिंग के ऊपर वीडियो नहीं है मैं और कंसिस्टेंट होने वाला हूँ रनिंग वाले वीडियोज़ के साथ सो स्टेट ट्यून फॉर दैट अच्छा लगाओ वीडियो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो नीचे सब्सक्राइब दो करो फटफट खटखट फट खटखट खटखट खट कर करके दबा दिया करो प्लीज़ 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 आई होप अच्छा आप लोग को वीडियो जेन्यूनली अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट्स में प्लीज़ मेरे को बताना डेफिनेटली कुछ और मिस आउट कर दे कुछ और बेटर कर सकते हैं वीडियोस के अंदर रिव्यू वाले वीडियोस के अंदर या रनिंग वाले वीडियोस के अंदर वो भी आप लोग मेरे को प्लीज़ बता देना लॉट ऑफ एक्साइटिंग मोर कंटेंट कमिंग अप ऑन बैडमिंटन फुटबॉल के ऊपर आने वाला है शटल कॉक्स के ऊपर बनाने वाले हैं हम हम रैकेट रिव्यूज और करने वाले बहुत कुछ आने वाला है यार इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड ऑन द चैनल आने वाले दिनों के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम